हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल हैप्पीनेस मींस यू को और साथ ही क्लिक कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को, जिससे आपको मेरी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस मींस यू। एंड टुडे मैं आपको बताने जा रही हूँ इजी पोहा की रेसिपी, जिसको आप नमकीन चाय के साथ या फिर अगर आप उसमें नींबू भी डाल सकते हैं, आपको जैसे पसंद आए आप वैसे खा सकते हैं, विदाउट एनी वेजिटेबल्स, विदाउट एनी थिंग। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पोहा के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगा: 2 कप पोहा, कच्ची मूंगफली, हल्दी, नमक और 2 हरी मिर्च। कढ़ाई जो है हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें आपको 3 से 4 चम्मच ऑयल डालना है। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है, उसके बाद हम इसमें अपनी रॉ पीनट्स यानी कि मूंगफली ऐड करेंगे। मूंगफली ऐड कर दिए, तो इसको आपको धीमी ही आँच पे जो है फ्राई करना है, क्योंकि मूंगफली फिर कच्ची रह जाएगी और फ्राई नहीं होगी ठीक से। तो इसको आपको बिल्कुल स्लो मीडियम पे पकाना है। आप देख रहे हैं कि मूंगफली का कलर जो है वो चेंज हो गया है, ये फ्राई हो गई है। हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मूंगफली मैंने प्लेट में निकाल ली है। अब हम इसमें ऑयल में हरी मिर्च ऐड करेंगे। मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी है। हरी मिर्च को हल्का सा ही फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी। हम टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे। मैंने टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया है। गाइस, आप चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट ये कलर के लिए ऐड किया है, क्योंकि इससे पोहा का कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें पोहा ऐड कर देते हैं। मैंने पोहा ऐड कर दिया है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। भी ऐड कर दिया है गाइस। मुझे पोहा वाइट वाइट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं कलर के लिए उसमें हल्दी टर्मरिक ऐड करती हूँ। अगर आप चाहते हैं उसको अवॉइड करना, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जो हमने मूंगफली फ्राई करके रखी है, ऊपर से वो ऐड कर देंगे। आपको पोहा को अच्छे से फ्राई करना है, ताकि जो उसमें क्रिस्पीनेस है वो अच्छे से आ जाए। मैं मूंगफली ऐड कर दिए। फ्रेंड्स, ये सच में बहुत यम्मी नमकीन बनती है, होममेड नमकीन। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक बार आप ट्राई करेंगे तो आई मस्ट श्योर कि आप दोबारा भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। मेरी पर्सनल फेवरेट है ये। आप चाय के साथ इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी लगती है। मैंने 2 हरी मिर्च इसमें ऐड किया, आप चाहे तो 1 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें और कोई मसाला या कोई भी इंग्रेडिएंट हमने ऐड नहीं किया है, इसलिए मैंने 2 मिर्च इसमें ऐड किया है। तो 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए। 3 से 4 मिनट में जैसे ही ये फ्राई हो जाता है, आप इसे सर्व कर लीजिए। फ्रेंड्स, मेरा पोहा रेडी हो गया है, मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो गई है, तो मैं इंजॉय करने जा रही हूँ चाय विद पोहा। आप भी इसको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। पोहा रेडी हो गया है, मैंने इसकी सर्विंग कर ली है। अब मैं इसे चाय के साथ इंजॉय करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।